बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है आपका? आज हम लोग यहाँ पर आए हैं जमशेद रोड नंबर 3 पे। तो यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, ये सब बच्चों के, ये बेच रहे हैं। तो बच्चे से मालूम करते हैं, बेटा आप बेच रहे हो, कब से लगा रहे हो? कल से। कल लगाया है तो आप यहाँ पे हो जाता है आपका? हाँ, बिक जाती है चीज़ें। कौन लेता है, बच्चे ज़्यादातर? हाँ। चलिए देखें और आगे, ये देखें ये सारे बनाए गए, देखें बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से बनाए गए। ये देखें बच्चे ले रहे हैं यहाँ पे, अभी जुलूस वगैरह निकलेंगे, सारे यहाँ पर आएंगे, और बच्चे बड़े भी ले रहे होते हैं और बजा रहे होते हैं। वो देखें बच्चे भी लिया हुआ बच्चे ने, ये देखें ये सब अपने हाथों से बनाए हुए। ये ये आप लोग कब से बैठे हुए हैं यहाँ पर, किसका है ये? ये देखें हमारी एक और बहन है और बना रही हैं, बड़ी खूबसूरती से बना रही हैं, ये सारा इन्होंने बनाया है और इनकी फैमिली। तो बहन से आप बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। आप कहाँ पे रहती हैं? हम तेराटी पे। तो वहाँ से यहाँ आती हैं? यहाँ पे बना के, यहाँ पे कल से आई हुए। कल से तो यहीं सो रही हैं, यहीं रह रही हैं, यहीं रह रही हैं। तो आप कौन कौन बनाते हैं आपके साथ? बेटी, दो बेटियाँ, एक बहू। बहू बेटी सब बना रहे हैं, तो महंगाई के दौर में मेहनत कर रहे हैं। बहुत महंगा हो गया, पहले तो ये 400 रुपये किलो पनीर मिलती थी, 400 रुपये किलो, सही है। अभी 1200 रुपये किलो, हमने 1200 रुपये किलो लेके भी बनाया, क्या करें रोजी कमा। अच्छा, तो बिक जाता है आपका? रे भी जाता है बेटा, कभी पैसे निकल जाते कभी नहीं निकलते। बारिशों के दिन है, जाहिर है कैसे संभालती होंगी ये सब चीज़ें? बिजली भी बहुत सारी होगी, नुकसान भी बहुत होता है, क्या करें, नुकसान भी बहुत होगा। चले शुक्रिया। क्या नाम देंगे आप ये? ढोल है तो किस उससे बेचते हैं आप लोग, सेल करते हैं? ये समझ लो कि हमें पड़ता 90 रुपये का बेचते, 120 रुपये का, 150 रुपये का। तो आपको ये आप खुद बनाते हैं अपने हाथों से? ये खाली डब्बा 50 रुपये का, ये 10 रुपये का, जानिए टोटल 80 रुपये में पड़ा हुआ, 85 रुपये का। तो आपको मुनाफा हो जाता है थोड़ा? हाँ, 20-30 रुपये एक दाने पे। महंगाई के दौर में जैसे कि आपका घर का गुजारा? हाँ भाजी, बस एक दाने पे 20-30 रुपये बचता, समझ लो कि 2-3 हज़ार रुपये बच जाता। अच्छा, इसको आप क्या नाम देते हैं, जैसे कि नौ मुहर्रम के लिहाज से? किलो नहीं, ये कैप है, पंखे, ढोल है, बस ये खिलौने, तलवार वगैरह। ये पूरी फैमिली आपकी मिलके बनाती है? ये पूरी फैमिली है, मेहनत कर रही है, ये नहीं है कि ये चीज़ हम बना रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, नहीं, मेहनत में कोई शर्म नहीं है। वहाँ पे वो लगा हुआ है, नीचे बैठ के लोग बना रहे हैं, ये बहनें हमारी बना रही हैं, वो हमारी बहन बना रही है, हमारे भाई। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो लाजमी वीडियो को शेयर कीजिएगा और आके इन भाई बहनों से ज़रूर ख़रीदें।